भारतीय संविधान के निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आज 132वीं जयंती है। प्रदेश भर में आज जगह जगह कार्यक्रम के माध्यम से उनको याद किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज धर्मशाला में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा एवं जिला महासभा की ओर से अम्बेडकर चौक में स्थित बाबा साहेब की मूर्ति पर फूल एवं हार चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वाल्मीकि सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदेश सोहोत्रा ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने दलित एवं पिछड़े समाज की आवाज को बुलंद किया है। बाबा साहेब का सपना था कि पिछड़ा वर्ग अपने अधिकारों को समझे एवं समाज में आगे बढ़े और आज उनका यह सपना पूरा हो गया है। आज हमारे समाज के लोग शिक्षित बन रहे हैं एवं बुलंदियों को छू रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि समस्त महासभा के कार्यकर्ता बाबा साहेब का धन्यवाद करते हैं जिनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर आज हम सभी इस मुकाम पर हैं। आज विश्व के और भारत के भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती है। ये पूरे विश्व के नहीं, पूरे भारत के, पूरे विश्व के साथ साथ ये हर व्यक्ति के, वंचित, दलित और महिलाओं के, गरीबों के मसीहा रहे हैं। इनकी कलम में इतनी ताकत है कि आज इन्होंने अपने संविधान के माध्यम से हर किसी को जीना सिखाया है, महिलाओं को उन पद पर पहुंचा दिया है जहां पर वो कभी कल्पना नहीं कर सकती थी। ये बाबा जी की देन है कि उन्होंने महिलाओं के लिए संघर्ष किया, दलितों के लिए संघर्ष किया, बेरोजगारों के लिए संघर्ष किया, वंचितों के लिए संघर्ष किया। आज उनके संघर्ष को एक सपना मिल रहा है कि उनकी जो सपना था वो आहिस्ता आहिस्ता सफल होते नज़र आ रहा है, क्योंकि आज पूरा वाल्मीकि समाज एक अनपढ़ ना होकर एक शिक्षित वर्ग में बदल चुका है। हर कोई अपने कर्तव्य के साथ साथ अपने अधिकारों के बारे में जानता है और उसी अधिकारों के बारे में आज बाबा साहब की कलम से लड़ता है, अपनी उनकी लेखनी से अपने समाज के लिए, अपने हकों के लिए लड़ता है। तो आज मैं तो पूरे समाज की तरफ से और पूरे अपने भारतवर्ष के उन दलितों की तरफ से, उन वंचितों की तरफ से, उन महिलाओं की तरफ से, उन बेरोजगारों की तरफ से, उन गरीबों की तरफ से बाबा साहब का 132वीं जयंती पर उनका धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने जो हमें अपना मार्ग बताया है कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज हम शिक्षित भी हैं और इकट्ठे भी हैं, लेकिन अपने हकों के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं सरकार से एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि आज बाबा साहब के कदमों पर चलकर हम जागृत हो चुके हैं, हम अपने हकों के प्रति जानते हैं और जब जब हमने जो भी सरकारें आई हैं हमने अपने हकों के लिए लड़ाई की है। इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के एक कर्मठ और ज़मीन से जुड़े हुए मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए हैं। हमें उनसे पूर्ण आशा है कि इस बार वो हमारे समाज को, वाल्मीकि समाज को और जितने भी दलित हैं उनकी मांगों को देखते हुए बाबा साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।